नाम रोहेल नज़ीर है और मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। जी बिल्कुल, का सेमीफाइनल में तो पहुंचते थे हर दफ़ा, लेकिन सेमीफाइनल में हार जाते थे। पिछली दफ़ा भी सेमीफाइनल यहीं पे आ रहे थे, तो इस दफ़ा ये है कि कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और हमारी टीम में काफ़ी बॉलर्स और बैट्समैन अच्छे हैं, जिसकी वजह से हमारा कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया और हम लोग अभी भी काफ़ी मजबूत पोजीशन में। आई थिंक हमारी टीम में काफ़ी 3 से 4 अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो उनसे मुझे तो काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं अंडर-19 टीम का कैप्टन हूँ। तो उस्मान भाई लोग जिस तरह फील्ड सेट करते हैं तो मैं काफ़ी देखता रहता हूँ, उससे ये है कि फ़ायदा मिलता है। और बाकी जब बैटिंग कर रहा होता हूँ उस टाइम पे भी वो काफ़ी कुछ बताते हैं, तो काफ़ी एक्सप्लोयर मिलता है। मैं काफ़ी खेला हूँ अब ग्राउंड्स में, मतलब मुख्तलिफ शहरों में खेला हूँ, लेकिन डायमंड में काफ़ी स्पेशलिस्ट है डायमंड क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट के हवाले से इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और हमारे इमाद भाई भी इधर से ही गए हैं, तो काफ़ी यंग उभरते हुए टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं इधर से, इसी वजह से। जी बिल्कुल, हमारे क्लब में बॉलिंग मशीन भी है, जिससे हमें एज अ बैट्समैन काफ़ी मदद मिलती है। और स्पेशली जो डायमंड क्रिकेट क्लब के मोहित भाई हैं और ये जो मैनेजमेंट है, वो ख़ास तौर पे हमारे जो भी बैट्समैन होते हैं उन पे वर्क करते हैं बॉलिंग मशीन में, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। उससे पेस खेलने में आसानी होती है, क्योंकि काफ़ी पेस से आता है, जितना सेट करो उसमें तो फिर पेस खेलना मुश्किल नहीं होता, इसलिए हमें उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और मैं प्रैक्टिस काफ़ी करता हूँ मशीन पर, तो इसलिए मुझे तो काफ़ी फ़ायदा होता है। यंग यही मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हो या कोई भी शहर हो, यंग प्लेयर हो, उसको मेहनत करनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रह के, और हमेशा अपने आप को ये समझना चाहिए कि मैं अपने मुल्क के लिए खेल सकता हूँ जिसको खेलना है। तो वो ये ना सोचे कि मैं छोटा हूँ या बड़ा, दिलेरी से खेले तो आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। जी बिल्कुल, हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा T20 मैचेस देख के, TV के मैचेस, तो हम लोग वो अप्लाई करते हैं एज अ यंगस्टर, मतलब जो मैं फील करता हूँ, हम लोग वही शॉट अप्लाई करते हैं, जिससे टेस्ट क्रिकेट में नुकसान होता है हमें, क्योंकि यहाँ पे लंबा खेलना पड़ता है, काफ़ी पेशेंस शो करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ बॉलर्स काफ़ी पेशेंस से बॉलिंग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना पेशेंस शो इस क्रिकेट में करेंगे तो उतने रन्स बंदा करता है। उसके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेट पे बारी कीजिए, और यह है कि नेट पे लंबा खेलने की कोशिश करें, और जब जैसा सिनारी हो, जैसे T20 हो या वनडे हो, मतलब उस तरह अपने आप को सेटल करना चाहिए।